केवल और केवल इसी बात पर जोर देने के लिए कि बेटी घर की लक्ष्मी होती है, इसीलिए ये सुकन्या समृद्धि योजना आगे लेके आए और आज ओडिशा के अंदर 950,000 लड़कियों की सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर अकाउंट खुले गए हैं। वैसे ही जनधन योजना, हम जानते हैं कि ये जो जनधन योजना है गांव में रहने वाली गरीब महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ी अच्छी एक योजना है, क्योंकि महिलाएं जो घर पर खर्च करने की बात जो भी छोटा मोटा बचता है उनके पास, वो अपने घर में अगर छिपा के रहती है तो उनकी बेटा हो या पति हो वो रुपये ले जाते हैं और उनके अपने के लिए वो उपयोग करते हैं। पर आज जनधन योजना के अंदर हर महिला जो भी वो बचाती है वो जाकर आत्मसम्मान के साथ वो बैंक में जमा करती है और जब परिवार के लिए उपयोग करना है तो वो अपनी वो पैसा लेके उपयोग करती है। और आज जब कोरोना हुआ तो मेरा मानना है कि लगभग 35 लाख अकाउंट्स जो उड़ीसा में है उन हर एक अकाउंट में 1,500 रुपए केंद्र सरकार ने दिया है उन अकाउंटों के थ्रू। मेरा ये कहना, ऐसा बोलती जाऊं तो बहुत सारे ऐसे हैं, जैसा अभी अभी हम देख रहे थे तो ट्रिपल तलाक के बारे में भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बुल्लू भाई ने दिखाए थे। पर मैं यहां के जो महिलाएं हैं, मैं आपको यही कहना चाहती हूं कि ये ट्रिपल तलाक की जो है बात है ये केवल महिला के संबंधित बात नहीं है बल्कि परिवार से संबंधित बात है, क्योंकि अगर हमारी बेटी तलाक लेके घर आती है तो उस बेटी को देखते देखते कितना बाधा उनकी माता पिता भाई बहन सब अनुभव करते हैं ये हम सब जानते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने हर एक महिला के पीछे, हर एक माइनॉरिटी महिला के पीछे एक भाई बनकर खड़े होकर उनके सर पर उनका हाथ रखकर यही कहे कि आपका संरक्षण होगा और ट्रिपलाक नहीं होगा हमारे देश में। यानी कि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व ऐसा नेतृत्व है जो एक बाप की जगह, एक भाई की जगह, एक मामा की जगह लेकर हमारे देश के महिलाओं और बच्चियों की संरक्षण करने वाली सोच केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग में है। इसीलिए अगर हम वोट मांग सकते हैं तो हम महिलाओं के पास जाकर अपने हक के रूप में हम वोट मांग सकते हैं और हम आश्वासन भी करते हैं कि आगे आने वाले चुनाव में जरूर ओडिशा की महिला भारतीय जनता पार्टी के नेता लोगों को अपने आशीर्वाद देंगे, ये हमारा विश्वास है।